हेलो एवरीवन, लर्थ एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो है ये आपके संविदा के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिगर ऑफ स्पीच। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने कुछ फिगर ऑफ स्पीच को कवर किया है। और जो पहले वाले वीडियो में हमने फिगर ऑफ स्पीच कवर किए हैं वो देखिए जो आपके सामने हैं। पहले हमने पढ़ा है सिमिली, इसके बाद में हाइपरबले, इसके बाद में अपोस्ट्रोफी, इसके बाद में मेटाफोर, इसके बाद में पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, ओनोमेटा फोइया। और अगर ये मतलब फिगर ऑफ स्पीच आपने नहीं पढ़े हैं पहले, तो इसके वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ से जाके पहले आप ये वाला वीडियो देख लीजिए और उसके बाद में ये जो हम वीडियो डिस्कस कर रहे हैं आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अगर आप वो वीडियो बाद में भी देखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मैंने अलग फिगर ऑफ स्पीच को कवर किया है और उस वाले में मैंने अलग फिगर ऑफ स्पीच को कवर किया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है पन। अब देखिए पन से मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे लिखा है कि अ पन इज अ जोक दैट मेक्स अ प्ले ऑन वर्ड्स, अ पन ऑल्सो कॉल्ड पेरोनोमेसिया यूजेस वर्ड्स दैट हैव सेवरल मीनिंग्स और वर्ड्स दैट साउंड सिमिलर्स बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। यहाँ पे क्या होता है कि एक ही सेंटेंस में एक वर्ड को यूज किया जाता है जिसका साउंड सेम होता है बट उनके जो मीनिंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। एक तरह से इसे मजाकिया तौर पे यूज़ किया जाता है। जैसे आप एग्जांपल समझ सकते हैं कि आई यूज़ टू बी अ बैंकर बट आई लॉस्ट इंटरेस्ट। अब यहाँ पर इंटरेस्ट जो होता है उसके दो मीनिंग होते हैं। अब यहाँ पे आदमी हो सकता है कि या तो वो ऐसा सोच रहा हो कि आई यूज़ टू बी अ बैंकर, मतलब मैं एक बैंकर था और मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, मतलब कि अब बैंकर से रिलेशन इंटरेस्ट वो वाला भी रखता है ब्याज वाला। तो हो सकता है सामने वाला बात कर रहा है कि मैं एक बैंकर था लेकिन मेरा बैंक में जो पैसा था उसका जो इंटरेस्ट था वो मुझे नहीं मिला, या फिर हो सकता है कि मैं एक बैंकर था लेकिन मेरा बैंकर में जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो गया, बैंकिंग में जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो इंटरेस्ट है उसके दो अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं। तो इसी टाइप से जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है पन, ठीक है। तो ये एक तरह से जोक टाइप होता है। तो इसी यहाँ पर आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं कि पन इज़ अ जोक दैट मेक्स अ प्ले ऑन वर्ड्स, जिसमें वर्ड्स के साथ में एक तरह से खेला जाता है। और यहाँ पे जो वर्ड होता है उसके सेवरल मीनिंग होते हैं, ठीक है, साउंड सिमिलर होता है बट मीनिंग जो है वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेकंड सेंटेंस आप देख सकते हैं कि अ हॉर्स इज़ अ वेरी स्टेबल एनिमल। अब यहाँ पे स्टेबल से मीनिंग एक स्थिर होता है और स्टेबल का मीनिंग एक अस्तबल होता है। तो यहाँ पे अब सामने वाला हो सकता है ऐसा मीनिंग निकाले कि हॉर्स एक ऐसा एनिमल है जो अस्तबल में रहता है, या फिर हॉर्स एक ऐसा एनिमल है जो स्थिर होता है। तो इस टाइप से जो पन होता है वो फिगर ऑफ स्पीच एक तरह से जोक टाइप से यूज़ किया जाता है, या फिर एक तरह से प्लेइंग विद द वर्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्ड होता है वो साउंड सेम देता है लेकिन उसके जो मीनिंग होते हैं वो अलग अलग होते हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं अगले फिगर ऑफ स्पीच पर। अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है आयरनी। अब इसमें क्या होता है कि आयरनी इज़ यूज वैन देर इज़ अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन वॉट इज सैड एंड वॉट इज मीन्ड, और बिटवीन अपेरेंस एंड रियलिटी। इसका मीनिंग ये होता है कि सामने वाला कह क्या रहा है उसका मीनिंग कुछ और होता है, मतलब कहना कुछ और होता है मीनिंग कुछ और होता है। तो ऐसा जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है आयरनी, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल में देख सकते हैं कि हाउ नाइस शी सेड व्हेन आई टोल्ड हर आई हैड टू वर्क ऑल वीकेंड। जब मैंने उसे बोला कि मैंने पूरा सप्ताह काम किया है तो उसने बोला कि हाउ नाइस मतलब कितना बढ़िया है। तो एक तरह से यहाँ पे सामने वाले का जो कहना कुछ और होता है लेकिन उसके कहने का मीनिंग जो है वो कुछ और होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई ब्रिलियंट सन हु फेल्ड आउट ऑफ कॉलेज। अब यहाँ पर पिता जो है वो कह रहा है कि दिस इज माई ब्रिलियंट सन एंड हु फेल्ड आउट ऑफ कॉलेज, मतलब कि ये मेरा सबसे ब्रिलियंट सन है जो कॉलेज में फेल हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे वो एक तरह से कटाक्ष कर रहा है कि ये मेरा सबसे ब्रिलियंट सन है जो एग्जाम में फेल हो गया। तो अगर एग्जाम में फेल हो गया तो वो ब्रिलियंट कैसे हुआ, लेकिन यहाँ कहना कुछ और होता है और तरीका कुछ और होता है। जैसे नेक्स्ट टाइम एग्जाम्पल हम देखते हैं कि शी इज अ ग्रेट सिंगर हु सिंग्स लाइक अ क्राउड। शी इज अ ग्रेट सिंगर हु सिंग्स लाइक अ क्राउड, मतलब सामने वाला कह रहा है कि ये इतनी ग्रेट सिंगर है जो एक कौवे की तरह गाती है। तो अगर कौवे की तरह गाती है तो फिर ग्रेट सिंगर कैसे हुई? पर सामने वाला जब एक तरह से कहना कुछ और होता है, कहने का मीनिंग कुछ और होता है, तो ऐसी जगह आयरनी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं अगले वाले फिगर ऑफ स्पीच पे। अब देखिए जो आपका अगला फिगर ऑफ स्पीच है वो है एपिग्राम। एन एपिग्राम रिफर्स सरप्राइजिंग और हिस्टेरिकल स्टेटमेंट। एपिग्राम एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जो एक तरह से हमें सरप्राइज
करता है, मतलब ऐसा सेंटेंस जो हमें सरप्राइज करता है, जैसे कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। अब इस सेंटेंस में लिखा है कि ये जो बच्चा है ये एक मैन का फादर है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। ठीक है, अब एक बच्चा जो है वो एक आदमी का पिता कैसे हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से ऐसा स्टेटमेंट होता है जो एक तरह से सरप्राइजिंग होता है, जैसे फूल्स रश वेयर एंजल्स फियर टू गो, मतलब कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो उस तरफ भागते हैं जहाँ पे एंजल्स भी जाने से डरते हैं। तो अब ये एक तरह से किस टाइप का स्टेटमेंट है, सरप्राइजिंग स्टेटमेंट। तो ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं ये आपके एपिग्राम फिगर ऑफ स्पीच में होते हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं अगले वाले पे। अगला जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है वो है एलिट्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एलिट्रेशन इज द रिपीटेशन ऑफ बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड, नॉट एवरी वर्ड इन द सेंटेंस हैज टू बिगिन विद द सेम लेटर। अब यहाँ पे इसका मीनिंग ये हुआ कि एलिट्रेशन एक तरह से रिपीटेशन ऑफ बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड, इसमें जो बहुत सारे कॉन्सोनेंट जो होते हैं वो एक तरह से रिपीट होते हैं, बहुत सारे वर्ड जो है उनका जो फर्स्ट वर्ड होता है वो रिपीट होता है। तो ऐसे जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं वो होते हैं एलिट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, शिव शुक हर सिली सिल्वर हेयर एज द सन वॉज सेटिंग। ओके, अब यहाँ पे देखिए बार बार जो रिपीट हो रहा है वो हो रहा है एस साउंड। एक बार और पढ़ते हैं, शिव शुक हर सिली सिल्वर हेयर एज द सन वॉज सेटिंग। तो यहाँ पे बार बार एस वर्ड की आवृत्ति हो रही है, तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच होता है ये होता है आपका एलिट्रेशन। जिससे कि नेक्स्ट सेंटेंस, सिक्स स्वान्स वेंट स्विमिंग इन द सी। तो यहाँ पर एस साउंड की रिपीटेशन बार बार हो रहा है, तो इससे ये पता लगता है कि ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये है एक तरह से एलिट्रेशन। जैसे कि एक और एग्जांपल अगर आपने सुना हो तो शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, इसमें बार बार एस वर्ड की आवृत्ति हो रही है, तो ये वाला जो फिगर ऑफ स्पीच है ये आपका होगा एलिट्रेशन। अगर आपने हिंदी में सुना हो तो खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, वो खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, तो यहाँ पर बार बार ख वर्ड की आवृत्ति हो रही है, तो ये जो आपका फिगर ऑफ स्पीच होगा ये होगा एलिट्रेशन। आई थिंक ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल जो है, पिचिंग पेनिस विद द पीटर्सबर्ग पिरेट्स इन अ पीटर पैटर ऑफ रेन आउटसाइड द पीटी पैलेस। अब आपसे ये पूछा गया है कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो अभी आपने थोड़े सी टाइम पहले जो पढ़ा है, जस्ट अभी मैंने आपको जो पढ़ाया है वो खड़क सिंह वाला सेंटेंस जो बताया था, तो उस टाइप का इसमें सेंटेंस है और इसमें पी वर्ड की बार बार रिपीटेशन हो रहा है पी वर्ड का, तो इस वजह से कहा जा सकता है कि ये जो फिगर ऑफ स्पीच होगा ये होगा एलिट्रेशन। तो आई थिंक ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर हमने सारे फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ लिया है, और इसके पहले वाले जो फिगर ऑफ स्पीच है उसके लिए मैंने वीडियो के नीचे लिंक दी है, जहाँ से जाके और आप उस वीडियो को इजीली देख सकते हैं। और इसके अलावा भी मैंने संविदा से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए हैं, और अभी SI जो एग्ज़ाम आने वाली है उसकी सीरीज़ भी हमने स्टार्ट की है, तो वो भी आप नीचे लिंक मैंने दी है, वहाँ से जाके आप वो वीडियोस सारे देख सकते हैं। चलिए, तो और दूसरी बात की अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी कभी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अभी तक हमारे 23,000 से प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, और आप सभी लोगों को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से आप हमसे जुड़ते रहिए और हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।